पिसा ली। रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि लॉकडाउन के दौरान बैंक के लोन का ब्याज किसी सूरत में माफ नहीं हो सकता और इसे सिर्फ टाला जा सकता है। आरबीआई ने दलील दी कि ब्याज माफ करने से बैंक दिवालिया हो जाएंगे। एक याचिका में मांग की गई थी कि लॉकडाउन की वजह से लोगों और उद्योगों की हालत खराब है और ऐसे में लोन पर दिए जाने वाले ब्याज को कुछ महीनों के लिए माफ कर देना चाहिए, जिस पर आरबीआई ने अपना जवाब दाखिल किया। गुजरात के दहेज में केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी आग में कई लोग झुलस गए। बताया गया कि फैक्ट्री में मौजूद एक टैंक में धमाका होते ही आग फैल गई और अंदर काम कर रहे कई कर्मचारी उसमें बुरी तरह झुलस गए। कई लोग जान बचाकर बाहर निकल भी आए। इन्हीं में एक कर्मचारी जैसे तैसे बाहर निकलकर तो आया, लेकिन उसकी हालत ऐसी दिखी कि वो सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आग से उसके बाल झुलसे दिखाई दिए और कपड़े जगह जगह से फटे दिखे। उसे इस हालत में देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। ले एम्बुलेंस लाओ यार, मर जाएगा आदमी यार तुम लोग। बाहर मौजूद लोगों ने इस लड़के से अंदर का हाल जानने की भी कोशिश की। कितने आदमी अभी अंदर? कितना आदमी तोड़ा ले तेरा? बहुत आदमी मर रहा है। ये आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही फैक्ट्री से उठता धुआं नजर आया, जो कुछ ही देर में पूरे इलाके में फैलता चला गया। देश के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी के दावों की पोल खोलने के लिए बीजेपी के विधायक राम कदम ने एक वीडियो ट्विटर पर साझा किया। विधायक ने इस वीडियो के जरिए पहली बारिश के बाद मुंबई के घाटकोपर इलाके में बिगड़े हालात को दिखाने की कोशिश की। इस वीडियो में साफ दिखा कि नाले का पानी रिहायशी इलाकों तक जा पहुंचा, जो लोगों के घरों के सामने बनी सड़क पर तेज रफ्तार से बह रहा था। कई लोग ये सब कुछ घरों से बाहर निकलकर देखते हुए भी नजर आए। नदी की तरह बह रहे नाले के इस पानी में एक मोटरसाइकिल भी बहती दिखाई दी। बीजेपी विधायक ने ट्वीट में यह भी लिखा कि बीएमसी के दावे एक दिन में फेल हो गए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के स्कूलों को सख्त निर्देश दिए कि वो किसी छात्र का शिक्षा का अधिकार नहीं छीन सकते। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर किसी बच्चे के माता पिता स्कूल की ट्यूशन फीस नहीं भर पाते तो भी स्कूल उस छात्र का नाम नहीं काट सकता। साथ ही कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि अगर किसी को अपने बच्चे की स्कूल फीस भरने में परेशानी है तो वो लिखित में स्कूल को बता सकता है। इसके बाद भी अगर फीस के लिए स्कूल जिद करे तो फिर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी को शिकायत दी जा सकती है। चंडीगढ़ के एक वकील ने यह जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। श्रीलंका क्रिकेट टीम ने कोलंबो में अभ्यास शुरू कर दिया। कोरोना वायरस संकट से उबरने की कोशिश करते हुए श्रीलंका क्रिकेट टीम ने कोलंबो में अभ्यास शुरू कर दिया। इन सभी 13 खिलाड़ियों को कोलंबो क्रिकेट क्लब में ही ठहराया गया, यानी ये वहीं रहेंगे और उसी जगह ट्रेनिंग भी करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रहे रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया। तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि की 97वीं जयंती पर डीएमके अध्यक्ष और उनके बेटे एमके स्टालिन ने उन्हें चेन्नई में श्रद्धांजलि दी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को सरकार के सामने अपनी बात रखने की सलाह दी। दिल्ली सरकार ने 5 डॉक्टरों की एक समिति बनाई जो ये रिपोर्ट तैयार करेगी कि कोरोना वायरस संकट के बीच क्या दिल्ली के अस्पताल दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों का बोझ उठा सकते।